प्रखंड के पूर्वी भाग के सभी पंचायत से चुने गए मुखिया और पंचायत समिति को युवा शक्ति फाउंडेशन की ओर से अंगवस्त्र और फलदार पौधा देकर सम्मानित किया गया। अंगवस्त्र सफेद रंग का था। फाउंडेशन का मानना है कि सफेद रंग सादगी, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। जनता ने जिस उम्मीद से इस बार वोट किया है, उसी तरह पंचायत का सच्चाई से विकास हो और शांति कायम रहे। फलदार पौधा देकर यह संदेश देने का कोशिश किया कि पंचायत का विकास लगातार फले फूले। सम्मान के साथ इस प्रथम दिन मलहुआटाड़, कुरहो बिंदु, नवाडिया, चिरगा, सियाटाड़, बद्दीहा दो सहित बेंगाबाद के द्वारा पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति को अंग वस्त्र और फलदार पौधा देकर सम्मानित करते हुए जीत की बधाई दी। यह कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहेगा और बाकी के पंचायत के मुखिया एवं पंचायत समिति को सम्मानित किया जाएगा। युवा शक्ति फाउंडेशन के इस कार्यक्रम का सभी ने सराहना की। वहीं फाउंडेशन के संस्थापक श्री कुमार ने कहा कि सभी पंचायत से जीते मुखिया और पंचायत समिति सदस्य उम्मीद करता हूं कि पंचायत का बेहतर विकास करेंगे और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के अजीत भूदेव, प्रकाश रामनंदन, हरिओम दिवाकर, संजय विकास, कुशवाहा इत्यादि लोगों की उपस्थिति रही। युवा शक्ति फाउंडेशन की ओर से आज आपको पौधा एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आप फाउंडेशन के सदस्य और फाउंडेशन के बारे में अपना क्या विचार देंगे? सर्वप्रथम मैं अपने पूरे पंचायत वासियों की ओर से युवा शक्ति फाउंडेशन को मैं तहे दिल आभार करूंगा, क्योंकि ये युवा शक्ति फाउंडेशन जो कई लगातार दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो कार्य कर रही है मानव कल्याण कार्य, और ये प्रकृति से संबंधित देख रहे हैं वृक्षारोपण करना, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा बढ़ चढ़ करके आप तमाम सदस्यों के माध्यम से जो किया जा रहा है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि युवा शक्ति फाउंडेशन को जहाँ पर मेरी आवश्यकता हो आप एक बार मुझे ज़रूर याद करें, मैं अपने स्तर से यथाशक्ति मैं सहयोग करूँगा। युवा शक्ति फाउंडेशन के द्वारा नव निर्वाचित प्रत्याशियों को फलदार पौधा देकर आज सम्मानित किया गया है, और जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य सभी को हर पंचायत में जाकर उनके आवास पर सम्मानित किया गया है। युवा शक्ति फाउंडेशन द्वारा जो विगत 3 वर्षों से लगातार समाज में काम कर रही है और करते आ रही है, और आज हम लोग जमुआ पूर्वी के सभी पंचायतों में नव निर्वाचित मुखिया को सम्मानित मेरा फाउंडेशन कर रही है, वो लगातार प्रयास जारी रहेगी और यह कार्यक्रम कल तक भी चलेगी। धन्यवाद। अजीत कुमार वर्मा, सचिव। युवा शक्ति फाउंडेशन के तरफ से जो मुखिया प्रतिनिधि को सम्मानित किया गया वो सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आगे और भी बढ़िया तरक्की करें। युवा फाउंडेशन है ये समाज के लिए बेहतर है, और यहाँ पर जो युवा भी लड़का काम कर रहे हैं वो भविष्य, खासतौर से युवाओं के लिए, माताओं के लिए, विकलांग के लिए, पर्यावरण के लिए बेहतर भविष्य है, और समाज की शिक्षा पे भी बेहतर करेंगे, और जहाँ तक हो सके इस फाउंडेशन को हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करेंगे और इस संगठन को और बड़ा बढ़ावा करेंगे, मजबूत करेंगे। और 3 साल से संगठन के साथ हम लोग कर नहीं पाए हैं, लेकिन ये जो युवा जितने भी हैं बहुत खुशी की बात है कि हमारे युवा की सोच देश कल्याण के लिए है, समाज कल्याण के लिए है। आज युवा शक्ति फाउंडेशन की ओर से जमुआ पूर्वी के लगभग 7 पंचायत के पंचायत समिति एवं मुखिया के आवास पर पहुंचकर हम सभी फाउंडेशन के सदस्य ने फलदार पौधा एवं सफ़ेद अंगवस्त्र देकर सम्मानित किए। फाउंडेशन का उद्देश्य है, सफ़ेद का जो अर्थ होता है शांति, सच्चाई एवं भाईचारा को हमेशा कायम रखे, और फलदार की तरह पंचायत में उन्नति हो। एक वृक्ष जिस प्रकार फल फूलता है उसी प्रकार पंचायत का सराउंडिंग विकास हो, यही उम्मीद के साथ हम फाउंडेशन के सभी सदस्य सभी प्रतिनिधि को फलदार पौधा एवं अंगवस्त्र देकर उससे कामना किए कि आप अपना पंचायत की तरक्की एक फलदार पौधे की तरह करें और आपका भी भला हो उससे।